ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सब पे बनी रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले वाला अध्याय आप सभी ने चैनल पे सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो जल्दी से जाके चैनल पे सुन लीजिएगा। आइए अब चौथा अध्याय शुरू करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे, वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी शरण से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई है और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवन, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीन दयाला, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग की विष से गोचराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सर्पत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल में से घिरा हुआ हूँ वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण निमेश मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कोई नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक
समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद, जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसा पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय हो प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। और नारद जी क्या बोले, इसका वृतांत अगले अध्याय में आप सब सुनिएगा। जय श्री हरि नारायण भगवान कमेंट में जरूर लिखिएगा।